नमस्कार दोस्तों, जब भी हम किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं और नौकरी से रिलेटेड कोई इंटरव्यू है तो हम सबसे पहले देखते हैं उसका पहनावा। यदि आप अपने कपड़ों का ध्यान रखते हैं तो वह सबसे मेन होता है। जब भी आप किसी के भी इंटरव्यू में जाते हैं जॉब से रिलेटेड, चाहे वह किसी की भी जॉब हो, अंदर एंट्री होते ही उनकी सबसे पहले नजर जाती है आपके कपड़ों पर कि आपने क्या पहन रखा है, और फिर आपके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। अक्सर देखा जाता है कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कपड़े ऐसे होने चाहिए जो अट्रैक्टिव हो लेकिन डार्क ना हो। कपड़े ऐसे हों जो पर्सनैलिटी को आपके अंदर से अंदरूनी बाहर लेकर आए, लेकिन कपड़े ऐसे नहीं होने चाहिए कि तंग हो, कि आपको बैठने में भी प्रॉब्लम हो या फिर आपको उन्हें छीलने में भी प्रॉब्लम हो। कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरव्यू ऐसी जगह पर करवाते हैं या फिर इंटरव्यू के दौरान पर कुछ करवाते हैं या फिर कुछ ऐसी हरकतें भी होती हैं वह करने पर आपको अनकंफर्टेबल सा महसूस होता है। अक्सर देखा जाता है कि यदि आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो यदि आप अपने घर से ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं उन कपड़ों में, तो वह आगे जाकर और भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल आपको महसूस करा सकते हैं। आप कपड़े ऐसे चुनाव करें जो कपड़े आपकी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करें, लेकिन ऐसे कपड़े बिल्कुल ना लें जो आपकी पर्सनैलिटी को और भी ज़्यादा डाउटफुल बना दें। हमेशा कपड़े ऐसे पहनने चाहिए कि जो हल्के हों। डार्क कलर के कपड़े चॉइस ना रखें जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं। आप ऐसे कपड़े लें जो हल्के रंग के हों और हल्के कपड़े हों, जिससे कि आपकी अंदरूनी शक्तियाँ आपको नजर आए और आपको भी फिट लगे। जब आपको लगता है आप अंदर से ही अपने आप से ही सवाल कर सकते हैं यदि आप चुनाव करते हैं। कपड़े पहनने के बाद आप खुद सोचिए कि आपको कैसा लग रहा है। यदि आपको अच्छा लग रहा है और आप बेटर महसूस कर रहे हैं और अनकंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं, तो उसमें आपको लगता है कि आपका सारा काम किया हुआ है और आपका इंटरव्यू भी अच्छा जाता है। यदि आप घर से ही निकलते समय अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं तो उसकी वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि अनकंफर्टेबल महसूस करने से आपका इंटरव्यू खराब हो जाता है। यदि आप इंटरव्यू का ध्यान रख रहे हैं तो उस समय पर आप अनकंफर्टेबल बिल्कुल महसूस ना करें और अपने आत्मबल को मजबूत कर लें ताकि उनके सवाल का जवाब आसानी से दे सकें। तो ये है कि इंटरव्यू के दौरान आपको क्या करना चाहिए ताकि आपको अच्छी नौकरी मिल सके। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।